नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में मेरा नाम है संदीप जानी कैसे हैं आप सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू थोड़ा सा ऑडियो इश्यू अभी आ रहा था दोस्तों तो स्ट्रीम जो है उसको शट डाउन करके दोबारा से स्टार्ट किया आई होप नाउ एवरीथिंग इज ऑडिबल टू यू चलिए यस ओके परफेक्ट चलिए दोस्तों तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स की पहला टॉपिक हमारा है लाइन दूसरा मोटर मतलब लाइन में तो हम बात करेंगे लाइन का जो एप्लीकेशन है उसकी बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहेगा जो कि आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा ये लाइन जो टॉपिक है आप चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स की बात कर लीजिए आप चाहे मैशनरी में बात कर लीजिए वहां पे भी इसका यूज आता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी हमने बात की थी कि लाइम का कितना इंपॉर्टेंस है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो प्रोवाइड करता है वो लाइम ही है और फिर बात करेंगे मोर्टार्स की मोर्टार जो है आप कैसे कैसे मोर्टार बना सकते हैं मोर्टार आप सीमेंट को यूज करके बना सकते हैं मोर्टार आप लाइम से बना सकते हैं आप जिप्सम से भी मोर्टार बना सकते हैं और भी अलग अलग टाइप के मोर्टार्स होते हैं हमारे पास उनके बारे में बात करेंगे हम तो दिस सेशन विल बी अबाउट दीज टू टॉपिक्स तो लाइम मोर्टार हमारा टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक दो टॉपिक्स हैं इस सेशन के एक लाइम एक अलग से मोर्टार्स तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अगर की बात करें जो नए दोस्त हैं उनको बता दें कि सुबह नौ बजे सिविल 101 जीरो चैनल के ऊपर मंडे टू फ्राइडे हम कंप्लीट जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग है वो हम पढ़ने वाले हैं जिसका आज हम बात करें तो सेशन नंबर हमारा फोर है ठीक है सेशन नंबर फोर है तीन सेशन इससे पहले हो चुके हैं आपने अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं इसी का प्रैक्टिस सेशन रात को आठ बजे हम करते हैं कल रात को किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो सेशन जो है वो शो नहीं हो रहा था तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम कल के क्वेश्चन टिम्बर वाले और आज के जो क्वेश्चन हैं वो हम सारे उसी सेशन के अंदर करेंगे आज रात को आठ बजे जो सेशन होगा उसके अंदर हर सैटरडे आपका वीकली टेस्ट होगा जिसके अंदर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे एग्जाम पैटर्न पे होंगे वेटेज के अकॉर्डिंग होंगे तो आप वो लाइव अटेंड करना ना भूलें हर सैटरडे नाइन ए एम अन पर जो भी स्पेशल सेशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उनको अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ एक इनवाइट कोड की जरूरत पड़ती है और वो आप यूज कर सकते हैं संदीप डबल पन साथ ही साथ में दोस्तों सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आने वाले एक या दो दिन के अंदर अभी जो है वहां पर नया सेशन शुरू होगा और उसके लिए आपको एस कैटेगरी में शुरू हो रहा है अभी वो तो उसके लिए आपको कोई भी जो एस एस कैटेगरी का आपको जो सब्जेक्ट दिखता है उस पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर सकते हैं ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कितने ड्यूरेशन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए और उसके बाद आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं संदीप डबल वन एक्सक्यूज में चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों लाइन लाइन के बारे में बात करते हैं लाइम जो है आपका एक बाइंडिंग मेटीरियल है जब तक सीमेंट की बात नहीं हुई थी तब तक सबसे पहले लाइम जो है वही इस्तेमाल होता था अगर आप बात करें पुराने जो मोन्यूमेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं चाहे आप इजिप्ट के पिरािटर्स की बात कर पिरामिड्स की आप बात कर लीजिए चाहे आप बात कर लीजिए ताजमहल की भी बात कर लीजिए तो वहां पे भी जो है मैक्सिमम जो यूज रहा है वो किसका यूज रहा है लाइम का यूज रहा है उसके बाद धीरे धीरे विद टाइम क्या हुआ है लाइम या लाइम के जो मोटार्स हैं उन्हीं को एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज किया गया धीरे धीरे विद टाइम जैसे जैसे सीमेंट जो है या पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो बनी उसके बाद से उसका यूज जो है उसका चलन जो है वो ज्यादा हो गया उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम मिलती है हमें बाइंडिंग के अंदर और इकोनॉमिक भी है तो इसीलिए हम उसी का इस्तेमाल जो है आज के टाइम में हम कर रहे हैं तो लाइम जो है लेकिन स्टिल लाइम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि लाइम के बिना तो सीमेंट भी नहीं बन सकती है तो लाइम को पढ़ना इसीलिए आवश्यक हो जाता है और लाइम की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं आपके थ्रू आउट द सिविल इंजीनियरिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपसे पूछी जाती रहेंगी यहां पर लाइम जो हमें मिलता है वो किस फॉर्म के अंदर मिलता है वो हमें लाइम के अंदर मिलता है उसके साथ कुछ इंप्योरिटीज भी हो सकती है अगर हम बात करें लाइन की और प्योर वाले की बात करें जिसमें कोई और इंप्योरिटी नहीं है अगर उसको गर्म किया जाए अगर उसका कैल्सीनेशन किया जाए उसको रेड हॉट हो होने तक उसको हीट करते रहो जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए तब तक उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सीनेशन कैल्सीनेशन के कारण क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको CaCO3 कहते हैं उसको रेड हॉट हीट करने पर वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइम में या फिर क्विक लाइम में जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं CaO कहते हैं

लाइन क्या है लाइन क्या है क्विक लाइम क्या है हाइड्रेटेड लाइम क्या है स्लेग लाइम क्या है फैट लाइम क्या है प्योर लाइम क्या है ये इतने टाइप के लाइम आ जाते हैं ना ये हमें शब्द याद करने मुश्किल हो जाते हैं ठीक है तो पहले तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाइम के अंदर प्रेजेंट रहेगा कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा यहां पर कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट रहेंगे साथ में कार्बन भी होगा कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है इनके अंदर अगर जो हमें फील्ड पे जो हमें मिलता है वो लाइमस्टोन होता है जो हम लेके आते हैं माइन से लेके आ रहे हैं जो भी हम ओर से लेके आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास लाइम है उस लाइम को अगर हम हीट कर दें वो लाइम है हमारे पास उसको अगर हम हीट कर दें हीट कर दें तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसे हम कहते हैं क्विक लाइम इसे हम क्या कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं क्विक लाइम की खास बात क्या होती है क्विक लाइम का बहुत ज़्यादा प्यार होता है बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है उसकी किसके लिए वॉटर के लिए जैसे ही क्विक लाइम को अगर पानी मिला जैसे ही क्विक लाइम या ये जो हमारा लाइम है इसको जैसे ही पानी मिला वैसे ही ये क्या कर देता है इसके साथ रिएक्ट करके स्लेक हो जाएगा मतलब स्लेक होने का मतलब हाइड्रेट हो जाएगा स्लेकिंग का प्रोसेस होगा जिसके कारण हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके कारण क्या मिल जाएगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो उसे लाइम बोल देंगे इस प्रोसेस को स्लेकिंग बोलते हैं तो उसे स्लेक् लाइम बोल देंगे और हाइड्रेशन हुआ उसका या फिर ये कह लीजिए पानी आया उसके साथ तो भी हम उसको बोल देते हैं। तो ये कुछ शब्द जो है उसी एक ही <coughs> कंपाउंड के हैं लेकिन हम अलग अलग वर्ड जो है उसके लिए यूज कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं ठीक है चलो तो पहली बात लाइन जो है हमें किसके ओर से मिलता है ये हमें लाइम के ओर से मिलता है लाइम हमें कहां से मिलता है लाइम लाइमस्टोन की ओर होती है वहां से मिलता है नेचुरली अवेलेबल हमारे पास जो लाइम होता है वो लाइम होता है उस लाइम को आप क्या करते हो उसका कैल्सिनेशन करते हो शब्दों का प्रयोग क्वेश्चन कहां से पूछते हैं और बिल्कुल बेसिक है ये ये जो हमारे सेशंस हैं स्टार्टिंग के बिल्डिंग मेटीरियल में इनमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो बहुत ही बेसिक होंगी आगे जाके हम उनको ऐसे डायरेक्टली बोल देंगे कि जैसे श्रिंकेज जा आ जाएगा अगर जो सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो श्रिंकेज आएगा पानी ज्यादा है तो श्रिंक के जाएगा क्यों आएगा इन सेशन के अंदर हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं फिर बाद में थ्रू आउट द सिविल इंजीनियरिंग हम बार बार बिल्कुल इतनी छोटी छोटी पे नहीं आएंगे इसी तरीके से दोस्तों तो यहां पे देखिए कि अगर की बात करेंगे अभी अगर आप नए हैं तो आपको ये लग रहा होगा पता नहीं क्या ये केमिकल रिएक्शन है और ये सब लेकिन धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली बातें लगने लग जाएंगी आपको तो देखो लाइम स्टोन नेचुरली अवेलेबल जो हमारे पास लाइम जो जिस फॉर्म में होता है वो लाइम स्टोन है

हम क्या कहते हैं मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं अब ये जो लाइम होता है या क्विक लाइम होता है या जो कास्टिक लाइम होता है इसके अंदर ये क्या होता है अगर वाटर मिला इसको तो वाटर के साथ साथ ये इंस्टेंटली बहुत विग्रसली रिएक्ट करेगा और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एच या फिर इसे हम कहते हैं स्लेक् लाइम या फिर हम इसे हाइड्रेटेड क्योंकि इसके अंदर वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल आ चुके तो स्लेग लाइम हाइड्रेटेड लाइम जो है हम इसे बोल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये फिर आगे इसको क्या है इसकी किसके साथ दोस्ती है इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो ये वापस से लाइमस्टोन वाले फॉर्म में चला जाएगा आपने देखा होगा बचपन के अंदर जब अगर मान लीजिए होली पे दिवाली पे या ईद पे जब भी फेस्टिवल पे आप देखते होंगे कि जो वाइट वॉशिंग करते थे ठीक है आजकल तो बहुत हाई एंड पेंट्स आ गए हैं लेकिन पहले अगर वाइट वॉशिंग की बात करें तो लाइम यूज करते थे लाइम जो आप यूज करते थे अगर उसको कुछ समय तक आपने उसको घोल के रख रखा है आप उसको दीवारों पे लगा रहे थे आपने ब्रेक ले लिया कुछ समय अगर वो ऐसे ही पड़ा रहा

ठीक है तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है हमारा कि सबसे पहले लाइमस्टोन को आपने हीट किया लाइमस्टोन को हीट करने के कारण वो क्या बना देता है लाइमस्टोन बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट से कन्वर्ट हो जाता है वो सी में सी के साथ जब एच आ गया तो वो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एच होल्डवाइस और उसके बाद उसके साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से ये लाइन में चला जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कार्बोनेशन इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कार्बोनेशन अब जहां से कहानी शुरू हुई कैल्शियम कार्बोनेट से शुरू हुई थी यहीं पे आगे खत्म हो गई ये पूरा एक साइकिल बन गया और इसे हम क्या कह देते हैं, लाइम कह देते हैं कि हमने लाइम से शुरू किया था लाइमस्टोन को हीट किया तो क्विक लाइम बन गया इससे हमने कह दिया कि ये स्लेकिंग सॉरी ये हो गया इसका सॉरी <स्वारी>, ये इसका हो गया कैल्सिनेशन ये क्या हो गया इसका कैलसीनेशन

SSE में RRBJE के अंदर इनमें जो क्वेश्चन आया हुआ है पहचानना था क्विक लाइम जो है वो सी ए तो लाइम स्टोन जो नेचुरली अवेलेबल लाइम है वो लाइम स्टोन होता है कैलसीनेशन के बाद जो हमें मिलता है वो क्विक लाइम कास्टिक लाइम या सिर्फ लाइम आप उसे बोल सकते हैं फिर उसके बाद H2O के साथ रिएक्ट करने पर स्लेग लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम हम इसको कहते हैं और एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिर से लाइम स्टोन बना देता है तो ये लाइम साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो लाइम है वो किससे बना हुआ है या लाइम के जो कॉन्स्टिट्यूएट है वो क्या क्या है लाइम के अंदर प्रेजेंट रहता है दोस्तों क्ले प्रेजेंट रहेंगे सिलिकेट्स प्रेजेंट रहेंगे घुली हुई फॉर्म में सोल्यूबल फॉर्म के अंदर सिलिकेट रहेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेंगे सल्फेट जो है ये प्रेजेंट रहेंगे क्ले की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्ले जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है क्ले जो है वो क्या भूमिका निभाता है क्ले जो है वो अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करता है पानी के अंदर जो सेट होने की प्रॉपर्टी है कि वो वहां से मूव ना करे वहीं पे सेटल हो जाए वहीं पे हार्ड हो जाए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दे तो अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है क्ले के द्वारा और इसी अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी तो हाइड्रोलिसिटी क्या है अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो क्या है हाइड्रोलिसिटी और ये कौन प्रोवाइड करता है ये क्ले प्रोवाइड करता है अब क्ले जो है ये अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी या हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करेगा जितना ज्यादा क्ले का कंटेंट उतना ही ज्यादा हाइड्रोलिसिटी बढ़ जाएगी लेकिन क्ले जो है ना बेचारा वो क्या है क्ले जो है वो उसका कलर जो है वो व्हाइटिश कलर नहीं होगा उसकी वजह से वो जो है अपीरेंस में थोड़ा सा मडी कलर दे देगा मड मतलब जैसा किचड़ जैसा सा मडी अपीरेंस आ जाएगा तो जहां पे भी आपको एकदम अपियरेंस जो है वो ऐसा चाहिए कि एकदम वाइट अपियरेंस आपको चाहिए ब्राइट अपियरेंस आपको चाहिए वैसा नहीं मिल पाएगा तो इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि प्योरिटी कम हो गई उसकी इसीलिए हम क्या बोल देते हैं प्योरिटी कम हो गई उसकी तो जितना ज्यादा क्ले कंटेंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हाइड्रोलिसिटी बढ़ेगी लेकिन इम्प्योरिटी भी बढ़ जाएगी लाइम की ये हम उसके अंदर बोलते हैं तो इसकी रेंज जो है वो आठ से तीस परसेंट के बीच में लगभग रहनी चाहिए लाइम के लिए सोल्यूबल सिलिकेट जो है ये कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इनकी फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और ये भी हाइड्रोलिसिटी के लिए जरूरी होते हैं उसके बाद आता है दोस्तों मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो क्या करता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइम के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो उसकी वाटर के साथ जो रिएक्शन है जो स्लेकिंग है उसको धीरे करवाता है यहां पर ठीक है उसको क्या करवाएगा स्लेकिंग जो है और उसकी जो सेटिंग है उसको थोड़ा स्लो करवा देगा रैपिड नहीं होगा वो यहां पर नेक्स्ट आता है आपके पास सल्फेट्स सल्फेट जो है सॉरी सल्फेट जैसे कि अगर हम बात करें तो आप जिप्सम जो जिप्सम है उससे रिलेट कर सकते हैं कि सल्फेट में जैसे जिप्सम जो है वो सीमेंट के अंदर क्या काम कर रहा था सेटिंग टाइम इसका काम कर रहा था सेम तरीके से दोस्तों यहां पर सल्फेट जो, है, वही यहां पर आपका जो सेटिंग है उसको बढ़ा देते हैं जो हो गया उसके तो प्रोसेस ऑफ स्लेकिंग रिटार्ड, रिटार्ड करने का मतलब धीरे कर देना टाइम बढ़ा देना सेम तरीके से, से प्रोसेस लाएं। लाएं का जो सेटिंग प्रोसेस है उसको भी क्या कर देगा वो उसके टाइम को भी बढ़ा देगा Next comes, types of types of के अंदर अब इनकी प्योरिटी के हिसाब से हम इनको डिसाइड कर रहे हैं और प्योरिटी से मतलब हमारा यहां है क्ले कंटेंट के हिसाब से जितना कम क्ले कंटेंट उतना ज्यादा वो प्योर हो जाएगा और उतना ही वो क्या होगा अपीयरेंस जो है उसकी वो ज्यादा वाइट दिखेगी आपको ज्यादा वाइट दिखेगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी क्ले ज्यादा नहीं है तो क्ले वाले के अगर क्ले नहीं है तो अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी ऑब्वियसली उसकी तो स्ट्रेंथ कम होगी तो ऐसे लाइम को आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप जो अपियरेंस के लिए दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग के अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हो व्हाइट वॉशिंग में आप अप्लाई कर सकते हो इसीलिए उसको नाम दिया गया फैट लाइम रिच लाइम प्योर हाई कैल्शियम व्हाइट लाइम क्योंकि इसके अंदर प्योरिटी जो है वो ज्यादा है फिर क्ले का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा क्ले का कंटेंट और ज्यादा हो जाएगा एक एक करके बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आता है फैट या फिर रिच या फिर प्योर हाई कैल्शियम या फिर वाइट लाइन सबके नाम जो है वो आपको अपने आप जो है एक एक बेसिक सी चीज है जिनके कारण हम इनके ऐसे नाम जो हमने दे रखे हैं वाइट लाइन क्योंकि अपीयरेंस जो है इसका वो ज्यादा है यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों उसके बाद हाई कैल्शियम क्योंकि क्ले का कंटेंट बहुत कम है मेजोरिटी कैल्शियम ही है यहाँ पर प्योर की अगर बात करें प्योरिटी जो है वो ज्यादा है क्ले का कंटेंट कम है फैट की अगर हम बात करें दोस्तों तो फैट हम ये बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये जो लाइम होता है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका वॉल्यूम जो है वो लगभग दो से ढाई गुना बढ़ जाता है टू 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 पॉइंट फाइव टाइम्स जो है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं फैट लाइन बोल देते हैं तो ये नाम जो है आपको वर्ड बाय वर्ड सब कुछ ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है एक बार आपने क्लास में देखा एक बार खुद से रिवाइज कर लिया एक बार खुद से रीड कर लिया जस्ट तो आपको ये चीजें अपने आप ही याद रहने लग जाएगी आपको अगर कोई पूछे फैट लाइन का मतलब क्या तो आप कहेंगे कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करते ही और लगभग दो से ढाई गुना इंक्रीज हो जाता है आपसे पूछा जाएगा कि वाइट लाइम का मतलब क्या तो आप कहेंगे वाइट लाइम मतलब वाइट ज्यादा दिख रहा है किस लिए दिख रहा होगा क्योंकि उसमें इंप्योरिटी कम होगी इंप्योरिटी कौन सी बोलते हैं हम क्ले की वजह से मडी अपियरेंस आता है तो वो क्ले का कंटेंट उसमें कम रहा होगा क्ले का कंटेंट कम रहा होगा क्योंकि क्ले अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करता है तो वो क्ले जो है अगर वो कम है तो स्ट्रेंथ कम होगी उस मोर्टार की या उस लाइन की अगर हम बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी यहां पर अब ये जो आपका लाइन होता है इस लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की या ये कह लीजिए प्लास्टिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है वो इजीली फ्लो करेगा या फिर हाईली प्लास्टिक होगा इसीलिए हम उसको सरफेस फिनिशिंग के अंदर व्हाइट वॉशिंग के अंदर हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं साथ ही साथ में इसकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी होगी व्हाइट इन कलर होगा यहाँ पर तो दिस लाइम प्रोजेस इज हाई ब्लास्टिसिटी सेट्सलीयर स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड द लाइम प्रोजेस प्योर वाइट कलर हैं एंड वाइट वॉशिंग नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम हाइड्रोलिक लाइम जो है इसकी प्योरिटी जो है वो कम हो जाती है इसकी प्योरिटी की बात करें तो क्ले कंटेंट इसके अंदर लगभग लगभग 10 से 30 प्रतिशत तक चला जाता है यानी कि खुद का लाइम का कंटेंट जो बच गया वो बच जाता है सत्तर से नब्बे प्रतिशत के बीच में तो यहां पर क्ले आ गया दस से तीस परसेंट अगर हम बात करें इससे पिछले केस के अंदर तो यहां पर लगभग लगभग नब्बे से पिचानवे नाइनटी टू नाइनटी फाइव परसेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या था लाइम ही था फैट लाइम रिच लाइम हाई कैल्शियम व्हाइट लाइम इन केसेज में नाइनटी टू नाइन्टी परसेंट जो है वो क्ले लाइम ही था क्ले थी पांच से दस परसेंट अब क्ले का कंटेंट 10 से 30 प्रतिशत तक पहुंच चुका है क्ले का कंटेंट 10 से 30 प्रतिशत तक पहुंच चुका है हाइड्रोलिक लाइम में इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया क्योंकि क्ले अपना असर दिखाएगा इसमें तो हाइड्रोलिसिटी आएगी इसके अंदर हाइड्रोलिसिटी आएगी तो इसका नाम हमने दे दिया हाइड्रोलिक लाइम दस से तीस प्रतिशत तक क्ले प्रेजेंट है अब क्ले आया हाइड्रोलिसिटी आई लेकिन इंप्योरिटी भी आ गई तो विजुअल अपियरेंस जो है वो थोड़ी हमें खराब लगने लग गई ठीक है विजुअल अपीयरेंस जो है वो हमें खराब लगने लग गई अब आप कहेंगे कि जस्टिस फॉर क्ले क्ले जो है उसका कलर फेयर नहीं है इसके लिए उसको इम्प्योर बोला जा रहा है तो बिल्कुल आपको आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के लिए क्ले तो उल्टा हेल्प कर रहा है अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है क्ले को जो है हमेशा आप इन्फीरियर वर्क्स में यूज़ करते जा रहे हो हाइड्रोलिक लाइम को बाहर दिखावे के लिए जो यूज़ किया जा रहा है वो फैट लाइम है सो so एनी तो हाइड्रोलिक लाइम जो है हाइड्रोलिक लाइम क्ले आ जाएगा उसमें हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी आएगी क्ले के कारण इसीलिए इसका नाम हमने हाइड्रोलिक लाइम रख दिया वॉटर लाइन सेम तरीके से हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी है इसीलिए इसको हमने ये नाम यहाँ पर दे दिया तो पानी के अंदर सेट हो सकता है अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक लाइन या वॉटर लाइन सो और इसके बारे में क्या खास बातें हैं दिस लाइन डज नॉट शो स्लेकिंग एंड सेट्स कंपेरिटिवली क्विकली ये स्लेकिंग नहीं शो करता है जल्दी से जो है सेट हो जाता है यहां पर और जहां पर भी स्ट्रेंथ चाहिए आपको मैशनरी वर्क के अंदर आप इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हो बिल्कुल प्योर वाइट जो है इसका कलर नहीं होता है तो इसीलिए आप इसको जो फिनिशिंग वर्क है वहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके बाद आता है दोस्तों लाइन लाइन या फिर लीन लाइन पुअर लाइन इम्प्योर या फिर लीन लाइन हमारे पास जहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग होगा दोस्तों आपको थ्रू आउट द सिविल इंजीनियरिंग याद रखना है लीन वर्ड अगर आ गया तो लीन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो भी अगर लाइन की बात कर रहे हैं तो लीन लाइन मतलब लाइन की क्वांटिटी कम रही होगी लीन सीमेंट मिक्स की अगर बात आएगी आपके पास या फिर लीन मिक्स अगर आप बात करेंगे आप कंक्रीट का तो उसमें सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम होगी तो लीन शब्द का मतलब जो है वो यहाँ पर यह रहेगा पुअर लाइन मतलब लाइन जो है यहां पर क्या है गरीब है अर्थात इस लाइन का टाइप जो है इसमें लाइन की क्वांटिटी जो है वो कम है इम्प्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्ले जो है वो कंटेंट ज्यादा आ गया क्ले का कंटेंट इस केस में क्या हो गया ज्यादा 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 हो हो गया पर पर तो पर क्ले प्रतिशत से से जाता है तो तीस प्रतिशत से होने के कारण क्या हो गया थोड़ी बहुत अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी और बढ़ेगी इसके अंदर अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी और बढ़ी लेकिन विजुअल अपीयरेंस और खराब हो जाएगा यहाँ पर तो जो भी इंफीरियर वर्क होंगे इंफीरियर जहां पर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देनी है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन इसके अंदर देखो लाइम जो है अब क्ले जो है वो भी अपना एक हद तक काम कर सकता है क्ले जो है वो सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है लेकिन लाइम का जो मेन इसका खुद का जो रोल था वो तो बाइंडिंग मटेरियल का था ना अब लाइम जो है वो अगर उसके अंदर यहां पर क्ले का कंटेंट ज्यादा हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट कम रह रहा है तो ऐसे केस में जो है उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो भी थोड़ी थोड़ी खराब हो जाएगी यहाँ पर पुअर होनी शुरू हो जाएगी इसीलिए इसको हम जो है वो इंफीरियर जो वर्क होता है वहां पर हम इसको यूज कर लेते हैं फैट लाइन प्योर लाइन वाइट लाइन इन सब का इस्तेमाल जो हम करते हैं फिनिशिंग वर्क के अंदर हाइड्रोलिक लाइम जो है वो अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है वाटर लाइम भी इसीलिए बोलते हैं उसको फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास पुअर लाइन इम्प्योर या फिर लीन लाइन इस टाइप के लाइन के अंदर क्या रहता है इस टाइप के लाइन के अंदर स्ट्रेंथ जो है बाइंडिंग की वो भी कम रहती है यहां पर और अपियरेंस भी अच्छी नहीं होती है तो जहां पर भी आपको इन्फीरियर वर्क करना है इतनी अच्छी क्वालिटी का काम नहीं करके देना है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार जल्दी से आप रीड करिए इन पॉइंट्स को

फ्लो करने की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है मेटलर्जी में आपको पता है कि एक ओर है उसके अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको आप अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो कोई इंप्योरिटी वाले जो हैं उनको फ्लो करवा के अलग करवाना है तो वहां पर फ्लक्स की जरूरत पड़ती है जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और उसको वहां से उनसे सेपरेट करवाता है तो ये फ्लक्स की तरह भी काम आता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर तो ये इसके कुछ यूज हैं आपको वैसे पता होना चाहिए एज सच ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि हाँ इनमें से कौन सा लाइन का यूज है

साथ में कोई सैंड यूज कर लिया या फाइन एग्रीगेट जो है आपने यहां पर यूज कर लिया तो एक ऐसा पेस्ट बन जाता है उस पेस्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो पेस्ट कैसा हो सकता है पेस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं पेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं आप पेस्ट को स्प्रेड कर सकते हो आप पेस्ट को क्या कर सकते हो स्प्रेड कर सकते हो जैसे जैम होता है आपके पास आप जैम को क्या करते हो स्प्रेड करते हो ना ब्रेड के ऊपर तो आप उसको स्प्रेड कर सकते हो पहला तरीका ये हो सकता है दूसरा तरीका क्या हो सकता है जैसे आप सैनिटाइजर होता है आप उसको स्प्रे करते हैं तो वैसे कुछ मोर्टा रेसिपी होंगे जिनको आप स्प्रे एग्जैक्टली exactly नहीं बोलेंगे उसको कि स्प्रे के अंदर तो पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है आप उसको क्या कर सकते हो हाई वेलोसिटी के साथ एक नोजल के थ्रू वैसे स्प्रे कर सकते हो जैसे एग्जैक्टली नॉट एज सैनिटाइजर एक गन होती है आपके पास उसके थ्रू जो है आप उसको स्प्रे कर सकते हो जिस सरफेस पे भी आपको उसको अप्लाई करवाना है विद हाई प्रेशर आप उसको अप्लाई कर सकते हो और क्या हो सकता है आप उसको फ्लो करवा सकते हो आप उस मोर्टार को क्या करवा सकते हो फ्लो करवा सकते हो तो यूज करना तीनों तरीके से कर सकते हैं आप उसको स्प्रेड करके भी कर सकते हैं और आप उसको स्प्रे करेंगे नोजल के थ्रू या फिर आप उसको हाई वेलोसिटी के साथ आप उसको शूट करेंगे और आप क्या कर सकते हैं साथ ही साथ में उसको फ्लो करवा के भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज ये हमारे जो है बेसिक ओवरऑल जो है मोर्टार क्या होता है मोर्टार एक पेस्ट है जिसमें एक बाइंडिंग मटेरियल रहेगा और एक ऐसा मटेरियल रहेगा जो कि उसकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट करने में मदद करेगा स्ट्रेंथ को एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपको सीमेंट की आप पूरा तो सीमेंट यूज नहीं कर सकते पहली बात इकोनॉमिक नहीं होगा दूसरी बात अगर पूरा सीमेंट यूज कर भी देंगे तो वो क्रैक्स डेवलप कर देगा बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है उसके अंदर रिलीज होगी तो वो स्ट्रेंथ जो है वो सफिशियंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो इसीलिए हमें साथ साथ में एक और एलिमेंट जो है फाइन एग्रीगेट की बात करें तो वो हमें यूज करना पड़ेगा हाँ उस फाइन एग्रीगेट को आप फर्दर रिप्लेस करवा सकते हो और कॉम्पोनेंट से तो उनकी भी बात करेंगे फिलहाल समझ में आ गया होगा कि मोर्टार जो है वो किसे बोलते हैं दो चीजें होंगी दोस्तों एक हम कहेंगे मोर्टार अंतर है इनके अंदर एक हम कहेंगे मोर्टार एक हम आगे बढ़ेंगे कंक्रीट तो मोर्टार की अगर हम बात करें तो मोर्टार तो एक तरीके से एक पेस्ट है मोर्टार तो एक तरीके से एक पेस्ट है जिसके अंदर एक बाइंडिंग मटेरियल होगा जैसे कि हम कह लेते हैं कि सीमेंट होगा और इसके अंदर होगा क्या फाइन एग्रीगेट होगा और अगर कंक्रीट की बात करें तो इसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट ये तीनों होंगे ठीक है वाटर तो सी बात है वाटर जो है वो सबके रिएक्शंस के लिए हाइड्रेशन के लिए पेस्ट बनाने के लिए फ्लूडिटी के लिए वर्केबिलिटी के लिए जरूरी है ही है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन मेजर जो कंपोनेंट है उनकी बात कर रहा हूं यहां पे कि मोर्टार जो है उसके अंदर सीमेंट और फाइन एग्रीगेट रहेगा कंक्रीट कंक्रीट जो है है को ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मोर्टार तो हम बाइंड करवाने के लिए यूज कर रहे हैं टाइल्स लगी हुई है उनके बीच में क्या है यहां पर स्पेसिंग है बिल्कुल जो पतली सी स्पेस होती है आपने देखी होगी तो उसके बीच में क्या करना है हमें मोर्टार प्रोवाइड करना है या फिर आप ये कह लीजिए हमें ग्राउट करना है ग्राउटिंग करवानी है उसकी तो वो आप क्या यूज कर रहे हैं वहां पर वो उनको ज्वाइन करवाने का काम कर रहे हैं आप यहां पर या फिर ये कह लीजिए कि वॉटर पेनेट्रेट ना कर पाए इसके लिए हम वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कंक्रीट की बात करेंगे दोस्तों तो कंक्रीट तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर खुद बिल्ड हो रहा है कंक्रीट तो पूरा का पूरा एक खुद स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है तो उसको कंप्रेशन के अंदर भी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी देनी है टेंशन में भी या फ्लेक्जर में भी वो सफिशियंट परफॉर्म कर पाए जितना जरूरत है और टॉर्जन के अंदर भी और और सारी चीजों में जो आरसीसी में हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर पढ़ते हैं तो इसीलिए वहां पर कोर्स एग्रीगेट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादा आवश्यक होते हैं मोर्टार की बात करें तो मोर्टार जो है वो जस्ट क्या कर रहा है यहां पर अलग अलग कंपोनेंट को ब्रिक वर्क कर रहे हैं अगर आप दीवार बना रहे हैं तो अलग अलग जो ब्रिक्स हैं उनको ज्वाइन करवाने का काम कर रहा है यहां पर मोर्टार तो मोर्टार के ये यूजेस हैं अब आप बात करें मोर्टार जो है क्या सिर्फ आप बाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं मोर्टार जो है आप कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं मोर्टार को आप कैसे यूज कर सकते हैं जैसे कि आप बात करेंगे जो थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ही थिन पार्टीशन स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे भी आप मोर्टार जो है आप उसका यूज कर सकते हैं अभी लास्ट में बात करेंगे जो स्पेशल मोर्टार्स हैं उन केसेस के अंदर भी वहां पर फिलहाल आई होप यू गॉट एन आइडिया कि क्या होता है मोर्टार अब

कोर्स मतलब बड़े पार्टिकल फाइन मतलब छोटे तो पहली चीज तो यही है कि आपने क्या किया ब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल अगर आपको दीवार बनानी घर बनाना है अगर आपको ब्रिक्स आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज की लेकिन मोर्टार अगर अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करेंगे तो क्या बताइए वो स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होगा नहीं होगा तो इसीलिए जो उसकी खुद की क्वालिटी है वो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो साथ साथ सीखते जाना होगा ड्यूरेबल होने का मतलब क्या है कोई चीज कितनी ड्यूरेबल है आपने कोई चीज खरीदी वो धीरे धीरे खराब होने लग गई जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने <coughs> जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्ट हुई वो रोड आप देख रहे हैं अभी बनी है दो महीने बाद धीरे धीरे उसका जो टॉप लेयर है वो हटने लग गया उसके ऊपर से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लग गए वहां से हटने लग गए तो उसकी क्या हो रहा है वो वो खराब होता जा रहा है डिग्रेड होता जा रहा है वो कम ड्यूरेबल है ठीक है वो ज्यादा टाइम टिका ही नहीं तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है विद टाइम वो कितना डिटीरियोरेट हो रहा है कितना खराब हो रहा है वो तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो उसकी रहनी चाहिए विद टाइम वो वहां से खराब ना होता जाए धीरे धीरे समय के साथ कम टाइम में ऑब्वियसली मतलब इटरनल तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी एक सफिशियंट जो टाइम स्पेन होता है उतने तक तो वो सर्व करना ही चाहिए तो मोर्टार जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए खराब ना हो फिर उसके बाद वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ लोड कैरी कर पाए जो भी स्ट्रक्चर में हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जितना लोड आ रहा है डेफिनेटली वो उसको कैरी कर पाए तभी तो वो पर्पज सर्व कर पाएगा तभी तो वो टिका रहेगा वहां पर साथ ही साथ में दोस्तों बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मोर्टार की आप एक ब्रिक का ब्रिक वर्क का ही आप एग्जांपल ले लीजिए कोई दीवार है उसके अंदर मोर्टार अगर आपने लगा दिया बारिश आएगी तो क्या आप चाहते हैं कि उस मोर्टार के थ्रू पानी जो है वो अंदर आए नहीं चाहते ना तो वाटर का पेनिट्रेशन जो है वो भी सफिशियंट वहां पर रहना चाहिए वाटर का पेनिट्रेशन प्रिवेंट होना चाहिए वहां पर सफिशियंटली वाटर का जो पेनिट्रेशन है वो प्रिवेंटेड होना चाहिए वहां पर उसके बाद बात करें दोस्तों तो वो चीप भी होना चाहिए ड्यूरेबल होना चाहिए इकोनॉमिक होना चाहिए मतलब इजीली आप उसको यूज कर पाए ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे लोग तो फिर से फिर क्या फायदा मतलब जब तक अफोर्डेबल नहीं होगी चीजें तब तक आप उसको मास स्केल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फिर मोटर जो है उसकी क्वालिटी कब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी क्वालिटी जो है वो कब खराब हो जाती है अगर बहुत ही कम मात्रा के अंदर माइका प्रेजेंट हो अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में अगर माइका प्रेजेंट हो

बेंड करवा दिया तो बेंड करवाने के कारण आप ये कह देते हैं कि फ्लेक्जर में फ्लेक्जर में बेंडिंग के अंदर अब ऊपर वाला फाइबर जैसे आप अपने हाथ का एग्जाम्पल ले लीजिए तो अगर आप इस तरीके से इसको बेंड कर देते हैं अगर आप ऐसे मोड़ देते हैं तो ऊपर के जो फाइबर्स हैं यहाँ के जो फाइबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं कंप्रेस हो रहे हैं आपस में वो क्या हो रहे हैं पास पास आ रहे हैं कंप्रेस हो रहे हैं तो ऊपर के जो फाइबर हैं ये कंप्रेस हो रहे हैं तो इधर क्या आता है कंप्रेशन आता है नीचे के फाइबर खिंच रहे हैं आप थोड़ी सी देर अगर ऐसे करके देखेंगे तो आपको यहां पे ऐसे लगेगा खिंचाव सा आ गया तो नीचे के जो फाइबर हैं वो क्या हो रहे हैं खिंच रहे हैं उनमें क्या आ रहा है तनाव आ रहा है उनमें क्या आ रही है टेंशन आ रही है तो ये जो फिनोमिना होता है इसे हम क्या बोलते हैं फ्लेक्जर के अंदर टेंशन या बेंड ये कंप्रेशन बेंडिंग के कारण जो आ रहा है यहां पर तो इसीलिए आपको ये शब्द आने वाले टाइम में आपको दिखेंगे फ्लेक्जरल टेंशन फ्लेक्र के अंदर बेंडिंग जो आपको मिल रही है डायरेक्ट टेंशन ये आपके पास डायरेक्ट जो है वो लग रही है डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब ये हो गया यहां पर तो माईका अगर प्रेजेंट होता है इसकी बात कर रहे थे तो माइका जो है वो क्या कर देता है उसकी कंप्रेशन के अंदर और टेंशन के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देता है यहां पर एक और छोटा सा पॉइंट आता है कि सीमेंट लाइम मोर्टार जो होता है जिसे हम गेज्ड मोर्टार भी बोलते हैं सीमेंट लाइम सीमेंट के साथ लाइम यूज करके अगर आप मोर्टार बना रहे हैं तो इनके कारण क्या होता है अगर क्रैक्स आ जाते हैं तो वो क्रैक्स अपने आप हील भी हो जाते हैं अगर लाइम वहां पर प्रेजेंट रहता है अगर लाइम रहेगा दोस्तों तो लाइन जो है वो अगर उसमें क्रैक्स डेवलप हुए विद टाइम जो है वाटर जो है अगर मॉइस्चर के फॉर्म में आ जाता है यहाँ पर तो वो फिर से जो है वहां पर हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है अब लाइम जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर जाता है हर जगह सॉल्ट आ गया मान लीजिए कोई एल्कलीज आ गई आपने सी वाटर यूज कर लिया मान लीजिए सी वाटर के कांटेक्ट में अगर कोई ऐसा आ गया आपने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रखे हैं आपने उसी ग्रेड के अगर आपने मोर्टार्स या फिर कंक्रीट नहीं यूज कर रखे हैं तो सीमेंट के टच में जैसे ही सी वाटर आ गया जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट है जिसमें सल्फेट्स प्रेजेंट है वो किसको अटैक करेंगे वो सीधा सीधा जाके अटैक करते हैं लाइम को लाइम जो प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर उसको अटैक करेंगे उसको अटैक करेंगे तो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना देंगे या फिर ऐसे कंपाउंड बना देंगे जो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं अब वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगे एक्सपैंड हो नहीं पाएंगे वहां पर क्योंकि आसपास जो है वो क्या प्रेजेंट है और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा एक्सपेंशन के चक्कर में वहां पर क्रैक्स डेवलप करवाना शुरू कर देगा डिस होना शुरू करवा देगा पार्टिकल्स का टूटना जो है वो शुरू करवा देगा वहां पर तो इसीलिए लाइम जहां पे भी आप देखेंगे चाहे लाइम सीमेंट के अंदर पहुंच गया तो भी वहां पर उसका रोल जो है वो रहेगा ही रहेगा बाइंडिंग मटेरियल है लाइम जो है वही बाइंडिंग का काम कर रहा है यहां पर और वो अगर इंपैक्ट हुआ तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी इंपैक्ट होगा ही होगा उससे अब मोर्टार को क्लासिफाई करते हैं ये बिल्कुल बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाली चीजें थी क्वालिटी क्या होनी चाहिए क्या क्या सही बातें हैं इसके बारे में जो हमें ध्यान में रखनी है अब बात करते हैं दोस्तों मोर्टार जो है उसका क्लासिफिकेशन तो उसकी डेंसिटी के हिसाब से हम उसे क्या कर सकते हैं हैवी वेट या फिर लाइट वेट उसको बोल सकते हैं अगर 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा डेंसिटी है तो आप उसे बोलेंगे कि हैवी वेट मोर्टार है अगर उससे कम है तो लाइट वेट मोर्टार आप उसको बोल देते हैं एग्रीगेट जो इस्तेमाल होंगे वो हैवी वेट मोर्टार के अंदर हैवी होंगे लाइट वाले में लाइट होंगे इतना याद रख लीजिए बहुत है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से अगर ज्यादा है उसका यूनिट वेट तो आप उसे कहेंगे एग्रीगेट अगर उससे कम है तो आप कहेंगे लाइट वेट एग्रीगेट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बाइंडिंग मटेरियल आपने क्या यूज किया इसके हिसाब से मोर्टार को क्लासिफाई किया जाता है अगर सीमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल अगर आपने सीमेंट का यूज किया एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह तो आप उसे सीमेंट मोर्टार बोल देंगे और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी आएगी यहां पर उसके बाद बात करते हैं चलिए चलिए बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के मोर्टार की सीमेंट मोर्टार की बात की हमने सीमेंट मोर्टार सीमेंट जो है वो बाइंडिंग मटेरियल इसके अंदर रहेगा एडमिक्सर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर जरूरत है तो अगर जरूरत है तो आप सुटेबल एडमिक्सर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किस टाइप के आपको मोर्टार जो है वो चाहिए अगर आपको मोर्टार ऐसा चाहिए जो बहुत अच्छे से फ्लो कर पाए वर्केबिलिटी अच्छी चाहिए तो आप उस टाइप का वर्केबिलिटी एनहेंस करने वाला आप जो एडमिक्सर है वो आप यूज कर लीजिए अगर आपको चाहिए वाटर टाइटनेस प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोवाइड कर लीजिए एंड सो ऑन एडमिक्शर्स इफ़ रिक्वायर्ड कैन बी एडिट टू दैम लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जस्ट कि किसके बाइंडिंग मटीरियल कौन है उसके हिसाब से मोर्टार जो है उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके पास लाइम मोटर लाइम मोटर जो है उसके अंदर बाइंडिंग मेटीरियल जो है वो क्या रहेगा यहाँ पर लाइम रहेगा लाइम भी यूज कर सकते हैं या फिर आप बेसिकली बात करें क्योंकि मोर्टार में स्ट्रेंथ चाहिए हमें तो हम हाइड्रोलिक लाइम जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं यहाँ पर जो लाइम का इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा हाइड्रोलिक लाइम का इस्तेमाल हम करते हैं जिप्सम की मदद से भी हम कर सकते हैं जिप्सम को भी एज बाइंडिंग मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये और जिप्सम भी अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं एज अ मोर्टार देन सबसे जो बिल्कुल इंफीरियर से इंफीरियर बिल्कुल टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो मड मोर्टार या फिर अगर पुराने जमाने की बात करें तो जहां पर मड मोर्टार ही ऑब्वियसली यूज होता था कि जो भी दीवारें बनानी होती होती थी घर बनाने होते थे जो कच्चे घर होते थे उनमें मड मोर्टार का ही इस्तेमाल होता था फिर उसके बाद आता है दोस्तों लाइम और मोर्टार लाइम और जो सीमेंट है उनका अगर आप जो मोर्टार बनाते हैं लाइम सीमेंट का जो मोर्टार आप यूज करते हैं उसे हम कहते हैं गेज्ड मोर्टार और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में गेज्ड मोर्टार क्या होता है जिसमें लाइम और सीमेंट दोनों प्रेजेंट रहते हैं उसे हम कहते हैं गेज्ड मोर्टार मोर्टार अब एप्लीकेशन के हिसाब से मोर्टार को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं ठीक है क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो इन्हें भी देख लेते हैं तो ब्रिक अगर ब्रिक वर्क में यूज कर रहे हैं तो आप उसे बोल देते हैं कि ब्रिक लेइंग मोर्टार है जो या मेशनरी के अंदर जो आपका इस्तेमाल हो रहा है अगर आप उसको दीवारों पे यूज कर रहे हैं फिनिशिंग पर्पजेज के लिए यूज कर रहे हैं या ऐसा मोर्टार यूज कर रहे हैं जैसे कि अगर हम बात करें आजकल बहुत ही जैसे ऑफिसेज वगैरह में अगर आप देखेंगे तो इतने फैंसी ऑफिस होते हैं आपको दीवार को देख के थोड़ी देर तो आप सोचेंगे कि ये किससे बनी हुई है ये कंक्रीट से बनी हुई है ये जो है कोई प्लाई बोर्ड है या फिर ये कोई पीवीसी मटेरियल है क्या है ये यहाँ पर तो कुछ जो डेकोरेटिव मोटर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी लेयर्स जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगी इंसुलेशन के लिए भी यूज होती हैं जैसे कि अगर आप बात कर लीजिए कोई जिमनेजियम होते हैं जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर कहीं पर एक जगह ऑफिस भी है एक जगह रेस्टोरेंट भी हैं और उसी के अंदर जिम भी है या फिर ऐसी चीजें जहां पर बहुत ज्यादा साउंड होगी तो वहां पर साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करते हैं कि और इतना ज्यादा आप हैवी कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते वहां पर क्योंकि ऑलरेडी वो जो मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स होती हैं उनमें सिर्फ फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करके दिए जाते हैं और बेसिक पार्टीशन जो हैं वो करके दिए जाते हैं बाकी आपको खुद करने होते हैं तो अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई मान लीजिए कोई डांस अकेडमी है तो उनका म्यूजिक चलेगा बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे आस वाले जो भी जिन्होंने साइड में कोई भी उनकी शॉप्स हैं या कुछ भी है तो वो क्या कर सकते हैं वो इस तरीके से थोड़ा साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करवा के अब फिर उसके बाद ऐसे थोड़ी ना कि एस्थेटिक नहीं लगेगा कि ऐसे टेम्परेरी कुछ भी पार्टीशन प्रोवाइड कर रखें तो वो ऐसे मोर्टार्स की लेयर जो हैं वो अप्लाई करवा सकते हैं जिससे अंदर देखने पर पता नहीं लगता है कि हाँ एक्चुअल में ये वॉल है या क्या चीज है और वो दिखेगा भी अच्छा फिनिशिंग भी उसकी अच्छी रहेगी और जो पर्पज है वो भी सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर स्पेशल मोटार्स की अगर हम बात करें स्पेशल मोटार जो हैं दीज आर इंटेंडेड फॉर अकाउस्टिक एक्सरे शील्डिंग प्लगिंग कंक्रीट एक्सेट्रा जो कुछ खास रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं ये आपके पास वो स्पेशल मोर्टार आ जाते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इंग्रेडिएंट्स के काम क्या क्या होते हैं जो मोर्टार के अंदर इंग्रेडिएंट है अगर उनके क्या क्या काम हो सकते हैं इंग्रेडिएंट्स में बात करें तो बाइंडिंग मटेरियल जो कि हम मेनली बात करेंगे यहाँ पर सीमेंट और लाइम की उसके बाद फाइन एग्रीगेट जो हम सैंड यूज करेंगे फिर उसके बाद इसके कुछ सब्सिट्यूट हो सकते हैं हमारे पास सुर्खी होगा जो ब्रिक है उसके जो पीसेस होते हैं या ब्रिक का जो पाउडर होता है ईंट का जो पाउडर होता है उसे हम सुर्खी बोलते हैं फिर उसके बाद आता है मोलेसिस या फिर आप ये कह लीजिए जिसे, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं आप जिसे गुड़ कहते हैं या जो स्वीटनर्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अब इनका क्या काम है ये भी देखते हैं यहाँ पर तो सीमेंट लाइम इन सब का क्या काम है ये तो पता ही है आपको बताने की जरूरत ही नहीं है बाइंडिंग मेटीरियल है यहाँ पर सैंड जो प्रेजेंट रहता है अगर सैंड का इस्तेमाल आपने नहीं किया अगर आपने सैंड का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो सीमेंट के पार्टिकल थे ये बिल्कुल पास पास थे सैंड के पार्टिकल सीमेंट के पार्टिकल ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सीमेंट है यहां पर अगर इसके साथ वाटर आएगा रिएक्ट करने वाटर आया इसके साथ रिएक्ट करने तो वाटर हर एक पार्टिकल के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा वाटर हर एक पार्टिकल के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा अब क्या होगा अगर आपने सेंड का इस्तेमाल किया तो सेंड भी प्रेजेंट है साथ में अगर आपने सेंड का इस्तेमाल किया सेंड भी प्रेजेंट है अब ये जो सीमेंट के पार्टिकल हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे या ये कह लीजिए कि हर एक पार्टिकल जो है अब वो इंडिविजुअली उसका एक्सपोजर मिल जाएगा हर एक पार्टिकल को क्या मिल जाएगा इंडिविजुअली एक्सपोजर मिल जाएगा हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली एक्सपोजर मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं मतलब ये पार्टिकल इसके आसपास सीमेंट के पार्टिकल बहुत कम है अब जो वाटर आएगा वो वाटर क्या कर सकता है यहां इसके साथ अच्छे से रिएक्ट कर सकता है तो एक चीज तो ये हो गई कि हमने सीमेंट को अच्छे से हमने इसका क्या करवा दिया हाइड्रेशन करवा दिया जो भी मैक्सिमम हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते थे वो हमने कर लिया ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझने के लिए था तो ये हम अच्छे से उसको क्या करवा सकते हैं हर एक पार्टिकल जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं या फिर ये कह लीजिए कि हमने ये जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं इनका सरफेस एरिया इनक्रीज करवा दिया जो कि एक्सपोज होगा वाटर को वाटर को एक्सपोज होने वाला सरफेस एरिया हमने इंक्रीज करवा दिया जिससे कि और अच्छे से इसका हाइड्रेशन होगा और उसकी स्ट्रेंथ हमें अच्छी मिलेगी इतनी ही अमाउंट ऑफ सीमेंट के लिए दूसरी चीज ये है कि अगर आपने सैंड यूज नहीं की तो जो भी रिएक्शन होगी जो भी यहाँ पर रिएक्शन होगी उसके कारण क्या होगी हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी वाटर जाने के बाद श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा आएगा उसके कारण क्रैक्स भी डेवलप हो जाएंगे यहाँ पर तो वो जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उनको प्रिवेंट कौन करेगा वो कौन नहीं होने देगा वो है सैंड तो जो सैंड है वो क्रैक्स नहीं डेवलप होने देगी वो वहां पर पार्टिकल्स को एज इट इज मेंटेन रहेगी जो भी श्रिंकेज आएगा उसको वो प्रिवेंट कर देगी जो भी श्रिंकेज आएगा उसको वो क्या कर देती है प्रिवेंट कर देती है और एक चीज जो हमें पता ही है सबको कि स्ट्रेंथ के एडजस्टमेंट में सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो कम कर दो सैंड बढ़ा दो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ा दो सैंड की थोड़ी कम कर दो अपने आप ही स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ये तो बिल्कुल बेसिक हम सभी को पता है साथ ही साथ में दोस्तों क्या रहता है कि अगर आप लाइम मोर्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप लाइम मोर्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइम मोर्टार में अब पहले तो लाइम 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 ही था सारा यहां पर क्या प्रेजेंट था पहले तो यहां पर लाइम, लाइम, लाइम ही, अगर, तो अगर आप बात करेंगे यहां पर लाइम के साथ साथ में आपने यूज कर रखी है सैंड भी तो एयर जो है वो इजीली एंटर करेगी एयर एंटर करने का मतलब यहां पर क्या हो गया एयर अपने साथ लेके जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाएगी कार्बोनेशन करवाएगी फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेट हो जाएगा तो ये क्या है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड लाइम के अंदर सेंड क्या कर रहा है लाइम मोर्टार के अंदर कार्बोनेशन को हेल्प कर रहा है हवा अंदर जा रही है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जा पाए वहां तक उस पर फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों सुर्खी की तो सुर्खी जो है जिसे हम क्या बोल देते हैं ब्रिक का जो पाउडर है वो क्या करता है वो हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी या फिर सुर्खी क्या करता है हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करता है सुर्खी प्रोवाइड्स हाइड्रोलिसिटी देन कम्स जो स्वीटनर होता है या फिर आप ये कह लीजिए कि जो मोलैसिस है या जो गुड़ है उसको आप यूज करते हो किस केस में यूज करते हो जो फिनिशिंग वर्क इस वर्क होते हैं या फिर आप ये कह लीजिए कि जो आपका लाइम होता है फैट वाला फैट लाइम या फिर जहां पर भी आप वाइट लाइम यूज कर रहे हैं वाइट वॉशिंग कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वो अच्छे से स्प्रेड होगा अच्छे से घुल जाएगा उसके अंदर और जब आप उसको अप्लाई कर देंगे तो वो जल्दी से सूख भी जाता है सॉलिडीफाइब भी वो जल्दी हो जाता है तो आपकी फिनिशिंग जो है वो जल्दी आ जाएगी लाइन जो है वो ऐसा नहीं है कि वाइट वॉश किया फिर उसके बाद वो फ्लो करके फिर नीचे आ जा रहे हैं ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं मोलैस या जो गुड़ है वो यूज कर लेते हैं जो स्वीटनर होता है जो गुड़ तो आप सभी जानते ही हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि वो क्या हो जाए वो इजीली अप्लाई भी हो जाए और बाद में क्या हो जाए वो वो सॉलिडिफाई हो जाए सॉलिडिफाई जल्दी हो जाए यहां पर तो ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके यूजेज है सेंड इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सैंड एक तो सबसे ज्यादा बल्क प्रोवाइड करता है आप मोर्टार में पूरा का पूरा सीमेंट तो यूज कर नहीं सकते दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्रोवाइड नहीं करता स्ट्रेंथ खुद नहीं प्रोवाइड करता स्ट्रेंथ के एडजस्टमेंट में काम करता है ये क्या काम करता है स्ट्रेंथ के एडजस्टमेंट में मदद करता है स्ट्रेंथ खुद नहीं प्रोवाइड करता है सैंड सैंड जो है वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है जैसे कि मैंने आपको यहां पर इस एग्जाम्पल में बताया कि पहले इसका सरफेस एरिया इतना ही था लेकिन अगर इसके बीच में सैंड आ गई सीमेंट का सरफेस एरिया पहले बहुत कम था अब बीच में अगर सैंड आ गई तो इसका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा यहां पर ज्यादा हो जाएगा देन कम्स श्रिंकेज उसके बाद क्या हो जाएगा श्रिंकेज श्रिंकेज जो है उसको वो प्रिवेंट करता है पार्टिकल जो है श्रिंक <laughs> नहीं होने देता है उनको जो आपने जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया मोर्टार जहां भी यूज किया उसको श्रिंक नहीं होने देता है वो तो क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे उसके अंदर देन टाइप्स ऑफ मोर्टार के अंदर जो है डिपेंडिंग अपॉन उनका प्रोपोर्शन पॉइंटिंग वर्क में कौन सा यूज होगा डीपीसी के अंदर कौन सा यूज होगा कंक्रीट पेवमेंट में कौन सा होगा प्लास्टरिंग में कौन सा यूज करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में मैशनरी मैशनरी जो फाउंडेशन में यूज करते हैं सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं तो डैम के केस में आप जो है वो वन इज टू थ्री तक का यूज कर सकते हैं वैसे वन इज टू वन अगर बात करेंगे आप डीपीसी के अंदर वन इज टू टू कंक्रीट पेवमेंट में वन इज टू टू प्लास्टरिंग में वन इज टू फोर आप यूज करते हैं जनरली मैशनरी इन सुपर स्ट्रक्चर वन इज टू मैशनरी इन फाउंडेशन वन इज टू सिक्स वन 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 टू और वन इज टू थ्री एक बार इनको रीड कर लेना कभी क्वेश्चंस में दिखे तो यहां से आप रेफर कर सकते हैं आगे बढ़े <laughs> बल्किंग ऑफ सैंड के अंदर क्या होता है जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में लेटस से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सैंड के पार्टिकल हैं जो रेड कलर वाले हैं रेड कलर अगर नहीं दिख रहा है तो ये सैंड के पार्टिकल हैं इन सैंड के पार्टिकल के बीच में अगर चार से पाँच प्रतिशत फोर टू फाइव परसेंट अगर मॉइस्चर आ जाए तो वो मॉइस्चर क्या करवा देता है सरफेस टेंशन क्रिएट करवा देता है इनको खिचाव देगा यहां से. दूर दूर जाना चाहेंगे जब ये दूर दूर जाना चाहेंगे तो सैंड का उस सैंड का वॉल्यूम जो है वो 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है उसका तो इसे हम क्या कहते है? हैं बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं तो जो भी अगर बात करें आप जहां पर भी आप मान लीजिए आपको सेंड चाहिए आपको अपने कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए और आप किसी से खरीद रहे हैं तो वो क्या हेरा फेरी करते हैं वो क्या बेईमानी करते हैं वो यही करते हैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा आप वॉल्यूम के टर्म्स में आप उसको लेके आ रहे हैं तो आपको नुकसान हो जाता है यहाँ पर तो ये क्या होता है बल्किंग ऑफ सेंड होता है सेंड जो है वो क्या हो जाती है उनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर चार से पांच प्रतिशत मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर एड कर दिया जाए तो चले आगे मैशनरी मैशनरी दोस्त जो भी आप क्या बोलते हैं उसको मैशनरी जो आप ब्रिक वर्क वगैरह बनाते हो या जो चिनाई जिसको आप बोलते हो ना चिनाई चुनाई जो आप बोलते हैं जिस जो भी आप लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको आप समझ सकते हैं जिस तरीके से जो मिस्त्री कंस्ट्रक्शन करता है दीवार बना रहा है वो मैशनरी वर्क है जो भी चिनाई जो भी छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करते हुए जो काम हो रहा है वो मैशनरी वर्क है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आएगा उसके बाद बात करते हैं अगर सोल्ट प्रेजेंट है एलकेली प्रेजेंट है सी वॉटर प्रेजेंट है इन सब की बात करेगा और जहां पे भी हम बात करेंगे दोस्तों आगे आरसीसी पढ़ेंगे आरसीसी में कंक्रीट वर्क की बात करेंगे कंक्रीट के अंदर हम बात करेंगे व्हेन कंक्रीट इज एक्सपोज टू सीवियर कंडीशंस या फिर कंक्रीट इज एक्सपोज टू सी वॉटर या फिर सी वॉटर के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपको करना है मान लीजिए आपको मरीन ड्राइव पे कोई ब्रिज बनाने के लिए बोल दिया गया तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वहां पे जाहिर सी बात है सी वाटर होगा सी वाटर जो है उसके अंदर सोल्ट प्रेजेंट रहेंगे सॉल्ट जो प्रेजेंट रहेंगे वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं वो सल्फेट्स की प्रेजेंट में हो सकते हैं वो क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और ये क्या करेंगे ये है लाइम के दुश्मन ठीक है ये क्या करेंगे सीमेंट में से लाइम को हटा देंगे ये क्या कर देंगे सीमेंट में से लाइम को हटा देंगे अब सीमेंट जो है उसका दबदबा किसके कारण है वो बाइंडिंग उसकी किसके कारण है वो है लाइम के कारण अब लाइम ही हट जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी पार्टिकल्स दूर दूर जाने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो उनको बाइंड करके रख रहा था अब वो पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे साथ ही साथ में ये जो सल्फेट और क्लोराइड जो है ये उस लाइम के साथ रिएक्ट करके क्या कर देंगे ये एक्सपेंड होना शुरू कर देंगे एक्सपेंड होना शुरू होंगे वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू कर देंगे जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा उस चीज का उस स्ट्रक्चर का मान लीजिए आपने ब्रिज बना रखा है ब्रिज जो है उसके पियर्स जो है या उसके जो पिलर हैं वो आपने बना रखे हैं वहां पर वाटर जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है अब उनका वॉल्यूम आप इमेजिन करके देखो उस पार्टिकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाह रहा है तो वो क्या होगा धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाएंगे उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे तो ये सल्फेट और क्लोराइड जो है ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये लाइम को वहां से क्या कर देंगे हटा देंगे कार्बोनेट जो होंगे सोडा के या सोडियम की अगर हम बात करें तो जो आपके पास कार्बोनेट्स होंगे वो क्या करेंगे वो सिलिका को हटा देंगे वो क्या वहां सीमेंट से क्या करेंगे सिलिका को <coughs> सॉरी सिलिका को हटा देंगे वो भी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएंगे वो डिसंटीग्रेट होंगे पेस्ट से अलग हो जाएंगे और काम ही खत्म हो गया हमारा जो मोर्टार है उसका तो ये आपको बेसिक सी चीजें हैं जो आने वाली सिविल इंजीनियरिंग हमारी है उसके अंदर आपके बहुत यूज आएंगे उसके बाद बात करें दोस्तों अगर आप ऑइल्स का या एसिड्स की अगर आप बात करें तो एसिड तो जाहिर सी बात है कि अगर एसिडिक कंटेंट आया लाइन जो है वो खुद कैसा है बेसिक नेचर का या अल्कलाइन नेचर का है यहां पर तो अगर वो आया तो फिर वही एसिड उसको अटैक करेगा यहाँ पर और फिर से स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी अगर आप बात करेंगे दोस्तों ऑयल्स की तो जो अच्छे से जिन सीमेंट मोर्टार की क्योरिंग करवा रखी है या फिर आप ये कह लीजिए कि जिनमें सीमेंट ज़्यादा अच्छी है जिनमें सीमेंट की क्वांटिटी बहुत अच्छी है वो इतने ज़्यादा कोई ऑयल्स हैं उनके इफेक्ट में नहीं आते ऑयल अगर आपने यूज कर दिया सीमेंट के ऊपर तो या फिर आप ये ऐसे कह लीजिए कि ऐसी जगह जहां पर ऑयल यूज हो सकता है सीमेंट के ऊपर या सीमेंट से आपने कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट बना रखे हैं कोई इंडस्ट्री के अंदर आप बात कर लीजिए तो वहां पर अगर सीमेंट जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है जो भी आपने इक्विपमेंट बनाए हैं या जो भी पार्ट्स हैं जिन पे ऑयलिंग अगर हो रही है या ऑयल यूज हो रहा है उसके ऊपर या ऑयल को सब्जेक्टेड है वो तो अगर सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है और अच्छी सिक्योरिंग है उनकी तो इफेक्ट नहीं होगा लेकिन अगर मोर्टार जो है वो लीन है जहाँ पर मोर्टार लीन है सीमेंट की क्वान्टिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर धीरे 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 वो क्या होने लग जाएंगे उस ऑयल के कारण वो पार्टिकल्स ऊपर से हटने लग जाएंगे लेयर बाय लेयर हटने लग जाएंगे एवरेजिवे एक्शन जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे एवरेजिवे एक्शन क्या होता है किसी भी चीज को आप खरोच लगाइए स्क्रैच करिए किसी भी चीज को तो वो क्या करेगा रेजिस्ट करेगा एवरेजन को वो किसको रेजिस्ट करेगा एवरेजन को तो एवरेजन को वो रेजिस्ट करने की जो क्षमता है उसकी वो रिड्यूस हो जाती है अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं किसके ऊपर लीन मोर्टार के ऊपर जिसमें सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है Then comes sugar की अगर हम बात करें सीमेंट मोर्टार के ऊपर जो शुगर का इफेक्ट है तो वो क्या करता है ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ एक objective question अगर पूछ ले आपसे तो उसके point, उसी point of view से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यूज करेंगे शुगर का तो शुगर जो है अपटू पॉइंट वन फाइव परसेंट 0.15% पॉइंट वन फाइव परसेंट शुगर क्या करेगा सेटिंग टाइम को डिले कर देता है वो क्या कर देता है सेटिंग टाइम को डिले कर देता है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है जो इनिशियल वाली स्ट्रेंथ होती है उसको भी वो खत्म करता है हाउ एवर वेन एडिड अपू टू परसेंट इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ एट एन एज ऑफ टू टू थ्री मंथ अगर आपने 0.15% तक ऐड किया तो तो वो क्या कर देगा सेटिंग टाइम को डिले करेगा और स्ट्रेंथ भी खत्म कर देगा इनिशियल वाली अर्ली वाली स्ट्रेंथ खत्म करेगा अगर 2% तक यूज कर रहे हैं आप यहां पर उस केस में वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा लेकिन दो से तीन महीने पर क्लियर ये शुगर का जो इफेक्ट है अगर आप यूज करते हैं सीमेंट मोर्टार के साथ टेम्परेचर के इफेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रेशन में जो सीमेंट की रिएक्शन है उसके अंदर अब टेम्परेचर आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग में वैसे वैसे ही आपको बहुत शब्द सुनाई देंगे फ्रीजिंग एंड थॉइंग अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया बहुत टेम्परेचर बहुत कम हो गया मान लीजिए नेगेटिव में जा रहा है जीरो डिग्री से कम जा रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा आपको पता है वाटर अगर प्रेजेंट है वाटर फ्रीज हो जाएगा वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ा तो पानी जो है वो फॉर्म में आने लग जाएगा ये, ये कह लीजिए कि जो फ्रीज हुआ वाटर था वो पिघल जाएगा थॉइंग हो जाएगी उसकी तो इसी एक्शन को हम कहते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वाटर की फ्रीजिंग हो जाएगी अगर आप मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन वर्क आपने शुरू कर दिया ठीक है मान लीजिए यूरोप में चले गए आप वहां पर कोई साइट का काम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है अब टेम्परेचर जो है आठ महीने से ज्यादा टाइम जो नेगेटिव के अंदर ही रहता है वहां पर या फिर बहुत कम रहता है तो वहां पर क्या होगा आप कंस्ट्रक्शन अब ऐसा तो है नहीं कि साल में तीन महीने चार महीने ही आप करेंगे वेट करते रहेंगे कि हाँ कब जो है वो समर आए और फिर हम कंस्ट्रक्शन करें तो आप कर रहे हैं वहां पर अब ऐसे केस में क्या हो गया वहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो टेम्परेचर फ्रीजिंग कंडीशन डेवलप हो गई फिर दिन में मान लीजिए टेम्परेचर फिर से कुछ बढ़ गया या फिर जो है टेम्परेचर जो है रात को या फिर आपका काम चल रहा था बहुत कम टेम्परेचर है दिन में फिर से बढ़ गया तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो गई थॉइंग का मतलब पिघल जाना या फिर जो वाटर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाना या थोड़ा सॉफ्ट हो जाना यहाँ पर तो कभी तो वो मोर्टार जो है उसकी फ्रीजिंग हो रही है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर की फ्रीजिंग हो रही है फ्रीज होने के कारण वो वॉल्यूम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं फिर फिर वो पिघल जा रहा है तो ऐसे केस में क्या होता है जब बार बार फ्रीजिंग एंड का इफेक्ट होता है तो इसके कारण अगर एक बार भी ऐसा होता है तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है या ये कह लीजिए लगभग हाफ हो जाती है इस फ्रीजिंग एंड थोइंग के एक्शन के कारण यहाँ पर साथ ही साथ में सीमेंट जो है उसको हाइड्रेशन के लिए सफिशेंट मॉय टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे उसकी हाइड्रेशन की रिएक्शन हो पाए और वो हाइड्रेशन की रिएक्शन होगी तभी तो वो स्ट्रेंथ दे पाएगी यहाँ पर तभी तो वो अच्छे से सेट हो पाएगी तभी तो वो अच्छे से एक बॉन्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर पाएगी अब वो तो हुई नहीं है वो बॉन्डिंग तो जो है हुई नहीं है उससे पहले ही उसके अंदर जो मोर्टार के अंदर पानी प्रेजेंट था वो टेम्परेचर के कारण फ्रीज हो गया फ्रीज होने के कारण एक्सपेंड हो गया अब वो वहां पर एक्सपेंड हुआ जा रहा है फिर उसके बाद उसकी थॉइंग हो रही है सीमेंट जो है वो प्रॉपरली बेचारी रिएक्ट नहीं कर पा रही वो नहीं कर पा रही तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी हाँ पर. तो टेम्परेचर अगर 40 डिगरी, 50 डिगरी, भी जा रहा है टेम्परेचर तो ऐसे केस में वो क्या कर देगा वहां पर हाइड्रेशन तो करवाएगा उसमें तो मदद करेगा लेकिन वाटर को फटाफट इवेपोरेट करवा देगा और वाटर का एकदम से चले जाना वो क्या करवा देगा उसमें श्रिंकेज क्रिएट करवा देगा उसमें क्रैक्स डेवलप करवा देगा तो ये टेम्परेचर जो है इनके इफेक्ट्स होते हैं अब कुछ अलग स्पेशल टाइप के मोर्टार्स आते हैं हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में जो एक आते हैं ग्राउट grout. ग्राउटिंग आपने सुना होगा अक्सर या फिर आप जो छोटा मोटा अगर कभी घर पे कंस्ट्रक्शन का, का काम करवाएंगे जहां पर भी टाइल्स भी अगर आप लगवा रहे हैं तो आप ये शब्द आपने डेफिनेटली सुना होगा नहीं सुना तो कोई बात नहीं अब आप सुन रहे हैं यहाँ पर तो आप जैसे बाथरूम की टाइल्स हैं या फिर आजकल जो रूम्स के अंदर भी टाइल्स लगती हैं आप लगवा रहे हैं वो टाइल्स जो लगती है इनके बीच में जो गैप होते हैं इनमें क्या फिल किया जाता है ग्राउड फिल किया जाता है ग्राउड जो होता है वो क्या है बहुत ज्यादा फ्लो करने वाला फ्लूडिक मटेरियल है फ्लो कर सकता है इजीली आप इसको कॉलम्स के फाउंडेशन के अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इमेजिन करके देखो कि आपको मोर्टार ऐसा चाहिए जो बहुत अच्छे से बाइंड कर दे आप चाहते हैं कि वो अच्छे से फ्लो करके एकदम से अच्छे से सेट हो जाए अब आप ये चीज भी देखो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये टाइल्स हैं। ऑलरेडी कितना कम स्पेस है अब आप नॉर्मली अगर स्प्रेड करके मोर्टार लगाओगे अगर आप नॉर्मली स्प्रेड करके मोर्टार लगाओगे तो वो इतना अच्छे से नहीं लग पाएगा अगर उसकी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है अगर वो फ्लो कर सकता है तब आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो यूनिफॉर्मली इन गैप्स के अंदर अच्छे से भर जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आप क्या यूज करते हो ग्राउट यूज करते हो इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और ये फ्लो कर सकता है ये फ्लो करेगा तो जिससे कि ये छोटे से छोटे स्पेस के अंदर भी जाके ये पर सेट हो जाएगा सिमिलर वे में आप इसको जो आपके जो कॉलम्स वगैरह हैं इनकी फुटिंग के अंदर भी यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ये आ जाता है आपके पास ग्राउटिंग का अब ग्राउटिंग में और जो आप नॉर्मल जो मोटर यूज कर रहे थे उसमें अंतर क्या है यहां पर वो फ्लो कर रहा है और उसमें आप उसको स्प्रेड कर रहे थे उसमें आप क्या कर रहे थे उसको स्प्रेड कर रहे थे जैसे जो भी ट्रैवल होता है आपको यहां पर अगर दिख रहा है तो इसमें देख सकते हैं जैसे तो जनरली मतलब हो सकता है ग्राउड जो है वो कुछ हद तक वो भी उसके अंदर आप स्प्रेड करके यूज कर सकते हैं लेकिन जो मोर्टार था उसको तो डेफिनेटली आप स्प्रेड करके ही यूज कर रहे थे लेकिन यहां पर ये फ्लो भी कर सकता है जैसा कि आप इस पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं ग्राउड डिफर्स फ्रॉम मोर्टार एज इन इट्स फ्लूडिटी फ्लूडिटी मतलब फ्लो करने की प्रॉपर्टी तो फ्लुइडिटी जो है वो इसकी अच्छी होती है यहां पर और इसको जरूरत नहीं है कि आप इस ट्रावल की हेल्प से आप इसको ऐसे स्प्रेड करें यहाँ पर इट ऑफ सीमेंट फाइन फाइन और कोर्स या फिर कोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक बड़े के पार्टिकल होंगे mm से, mm से छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम सैंड कहते हैं और सैंड जो है वो फाइन एग्रीगेट है अब सैंड में भी फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाता है कि फाइन सैंड मीडियम सैंड कोर्स सैंड तो कोर्स सैंड तो फाइन पार्टिकल्स ही हैं और मोर्टार की बात हो रही है तो हम यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल और फाइन एग्रीगेट यूज करेंगे तो इट इज एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ सीमेंट फाइन और कोर्स सैंड वाटर और कुछ अमाउंट का आपको ग्राउटिंग एडमिक्सचर क्योंकि आपको जाहिर सी बात है जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी चाहिए होगी तो वहां पर आप एडमिक्सचर जो है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब इस केस क्या यूज करेंगे हम यहां पर क्योंकि आप बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स तक भी अगर आप जाना चाह जा रहे हैं जैसे टाइल्स की बात कर रहे हैं वहां पे अगर आप ग्राउड्स यूज कर रहे हैं या फिर आप बात कर लीजिए यहां पर अगर आप फाउंडेशन वर्क के अंदर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं कॉलम के बेस में भी यूज़ कर रहे हैं उसको तो ऐसे केस में आपको जो ग्राउटिंग आप कर रहे हैं यहां पर वाटर सीमेंट रेशियो जो है वाटर की जो क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू सीमेंट वो कम रखनी पड़ेगी क्यों कम रखनी पड़ेगी क्योंकि श्रिंकेज ना आए उसके अंदर वाटर जितना ज्यादा होगा वो एकदम से निकलेगा वो भी वेपोरेट होगा वो श्रिंकेज क्रिएट करवाएगा वो क्रैक्स जो है वो डेवलप करवाएगा स्ट्रेंथ जो है उसकी रिड्यूस करवा देगा तो इसीलिए उसकी क्वांटिटी को हम कम रखना चाहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ग्राउट्स की वो 20 से लेके 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के बीच में होती है सेवन टू ट्वेंटी के लिए बीच में लगभग रहती है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इसकी कम होती है लेके थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एमएम mm स्क्वायर के बीच में होती है वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें पांच से बारह प्रतिशत तक जो है इसका होता है इसको अप्लाई कैसे कैसे किया जा सकता है आप उसको इंजेक्ट करवा के प्रोवाइड कर सकते हो आप उसको कैसे प्रोवाइड कर सकते हो इंजेक्ट करवा के आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो इंजेक्टिंग के अंदर कैसे जैसे मान लीजिए फाउंडेशन वर्क्स के अंदर या फिर अर्थ के सरफेस के जो है काफी नीचे जाके आपको कहीं पर अगर फिल करवाना है तो वहां पे आप फिल करवा सकते हो कोई टunnels के अंदर आपको यूज करना है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो सो so, इट इज़ यूज़ टू इंक्रीज़ द बियरिंग इंजेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ग्राउड को इंजेक्ट कर सकते हो जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो सॉरी वो आप इंक्रीज कर सकते हो डैम्स में यूज हो सकता है क्रैक्स को फिल करने के लिए जो भी क्रैक्स आते हैं उनको आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर आफ्टर द कंक्रीट सेट्स एंड हार्डन मतलब जब डैम बन गया कंक्रीट सेट हो गई हार्ड हो गई लेकिन क्रैक्स डेवलप हो गए उन क्रैक्स को आप ग्राउटिंग की मदद से आप इसको क्या कर सकते हो फिल करवा सकते हो यहाँ पर एंड टू स्प्रेड द अर्थ यूनिफॉर्मली ओवर द स्ट्रक्चर एंड टू अलाउ हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स टू डेवलप बॉन्ड बिटवीन स्टील रेन्फोर्समेंट एंड कंक्रीट एटसेट्रा एटसेट्रा ये ग्राउट्स के आपके कुछ यूज आ जाते हैं उसके बाद आता है दोस्तों गनिटिंग गनिटिंग जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गनीटिंग ये है यहां पर अब आप दो चीजें होती है एक होती है आपके पास गनिटिंग एक होता है शॉर्ट क्रीट शॉर्ट क्रीट बेसिकली बात करें तो आज इस पर डिस्कस नहीं करेंगे शॉर्ट क्रीट को क्यों क्योंकि दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कंक्रीट इसके अंदर कोर सेग्रीगेट और आ जाएंगे साथ में इसके अंदर क्या आ जाएंगे बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होंगे कंक्रीट कंक्रीट आ आ जाएगी बेसिकली इसके अंदर ये ये का एक स्पेशल टाइप आ गया मान लीजिए तो शॉर्ट क्रीट जो है वो तो कंक्रीट आ जाएगी उसके अंदर कोर सेग्रीगेट भी आ जाएंगे बड़े साइज के पार्टिकल भी आ जाएंगे यहां पर गनिटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो गनिटिंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं जैसा कि इस इमेज को भी देख लेंगे तो आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी कि आप जो मोर्टार है उसको आप प्रेशर के साथ हाई प्रेशर के साथ और एक गन के साथ या आप ये कह लीजिए एक नोजल होती है आपके साथ उसके साथ हाई प्रेशर के साथ आप क्या कर रहे हो इस पर स्प्रेड कर रहे हो आप क्या कर रहे हो इस पर स्प्रेड कर रहे हो अब इससे क्या हो जाता है इससे कुछ हमें जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि आप इसको हाई प्रेशर के साथ जब अप्लाई करते हैं तो हाई प्रेशर के कारण एक तो कॉम्पैक्शन अच्छे से हो रहा है उसका दूसरी चीज क्या होती के अंदर करता है। वो बड़े के पार्टिकल जाएंगे, और जो एंड वाली वॉल है उस पर टकराएंगे और रिबाउंड कर जाएंगे थोड़े से, थोड़े से पीछे आ जाएंगे वापस आ जाएंगे और जो फाइन पार्टिकल होंगे बहुत छोटे साइज के पार्टिकल होंगे वो लास्ट वाले सरफेस पे जाके स्टिक हो जाते हैं तो वो अच्छे से उसके साथ एक बॉन्डिंग प्रोवाइड करेंगे वो 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 अच्छे से क्या क्या करवा देंगे जो 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 एंड एंड वाला पोर्शन है है सरफेस उसको एक अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो जो धीरे धीरे होगा यहाँ पर जैसे ही आपने स्टार्ट किया जैसे ही आपने शुरू किया तो जो स्टार्टिंग वाले जो पार्टिकल्स होंगे और जो बड़े पार्टिकल होंगे वो रिबाउंड करके वापस आ जाएंगे जो फाइनर होंगे जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल जाके जो एंड वाली लेयर है वो एक लेयर बना लेंगे फिर उसके बाद फर्दर आगे जो मोर्टार आता जाएगा वो जो है वो वहीं रहेगा उसके कोर्स पार्टिकल जो है वो वहीं आके रुकेंगे क्यों क्योंकि अब जो पहले एक लेयर बन चुकी है फाइन वालों की वो एक क्वेश्चन की तरह मदद करेगी वो एक क्वेश्चन की तरह हेल्प करेगी कि जो भी अब पार्टिकल्स आएंगे वो वही रुकते जाएंगे उसी के ऊपर तो फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे उसके ऊपर जो भी हमारा जो प्रेशर के थ्रू हम अप्लाई करते जा रहे हैं जितनी थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है उतनी थिकनेस के लिए हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं यहां पर तो ये के अंदर होता है नोजल के के थ्रू थ्रू हाई वेलोसिटी हम जो मोर्टार है उसको क्या कर रहे हैं <coughs> उसको स्प्रे कर रहे हैं उसको हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 42 टू न्यूटन पर एम स्क्वायर तक होती है यूनिट वेट जो हम यूज करते हैं वो होता है 2300 थ्री हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में जहां पर भी आपको थिन वॉल्स बनानी है बहुत थिन वॉल बनानी है स्विमिंग पूल बनाना है आपको या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने हैं कोई स्ट्रक्चर जो है वो मान लीजिए डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना है कोई स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो गया है आप उसको इतना जो है मान लीजिए कि कहीं पर रिइंफोर्समेंट भी था और वो स्ट्रक्चर जो है उसके बीच में से कंक्रीट जो है वो खराब हो चुके हैं तो आप उसको अच्छे से वैसे नॉर्मली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या कर भी पा रहे हैं तो इतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं आएगी तो आप उसको किसके थ्रू गनेटिंग के थ्रू आप उसको यूज आ, उसको भर सकते हैं रिपेयर कर सकते हैं तो जो भी डैमेज होता है चाहे वो फायर की वजह से अर्थक्वेक की वजह से केमिकल्स की वजह से इन सब को रिपेयर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका गनेटिंग का आप यूज कर सकते हो अब बात आती है दोस्तों वेलोसिटी की वेलोसिटी जो है वो 140 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस वेलोसिटी से ज्यादा आप इसको शूट नहीं करेंगे इस वेलोसिटी से ज्यादा आप इसको शूट नहीं करेंगे अगर इससे ज्यादा आपने किया तो फिर क्या होगा कि जो भी मटेरियल यहां पर जा रहा था आपने यहां से इसको शूट किया और कुछ जो रिबाउंड होकर आ रहा था यहां पर वो क्या करेगा यहां से आने वाला ये जो मोर्टार है वो इस रिबाउंड होने वाले को इनसे जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट वो इन्हीं को इंटरफेरेंस जो है वो प्रोवाइड कर देगा और सफिशियंट जो है स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला आपके पास आता है नेक्स्ट थिकनेस जो आप यूज करते हैं वो कम से कम 40 एम एम थिकनेस ऑफ गनाइट शुड नॉट बी लेस देन 40 एम फॉर रिपेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स की रिपेयरिंग अगर कर रहे हैं तो 40 एम mm एम से थिकनेस जो है वो कम नहीं होनी चाहिए अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं दोस्तों और ये एक लाइव सेशन है हमारा जैसा कि आप सभी को पता है मंडे टू फ्राइडे चैनल के ऊपर सुबह नौ बजे हम डेली लाइव सेशन जो है करते हैं और शाम को आठ बजे आज जो हमारा सेशन हुआ और जो कल हमारा टिम्बर था वो सेशन जो है दोनों के क्वेश्चन आज रात को आठ बजे जो हमारी अन की ऐप है उसके ऊपर हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे स्पेशल क्लास के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको जस्ट क्या करना है अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है वहाँ पे आपसे इनवाइट कोड पूछा जाए तो संदीप डबल वन यूज़ करना है संदीप जानी यानी कि मेरी प्रोफाइल खोलनी है वहाँ पे आठ बजे आपको ये सेशन जो है वो दिख जाएगा जो भी पी डी एफ है पी डी एफ आपको कहाँ मिलेगी इसी के जो नीचे आपको यहाँ पर जो एक पिन में कमेंट है राजन सर ने पिन कर रखा है गूगल ड्राइव का एक लिंक है वो आप अपने पास सेव कर लीजिए अपने फोन के जो नोट्स हैं उनमें सेव कर लीजिए या फिर अगर आप इस कमेंट को आप ओपन करेंगे तो आपकी गूगल ड्राइव खुल जाएगी फ़ोन की उस गूगल ड्राइव में आप उस फोल्डर को जो फोल्डर आपको दिखेगा सिविल इंजीनियरिंग का फोल्डर बना रखा है तो उस फोल्डर के अंदर मैंने एक तो वीकली टेस्ट का फोल्डर है वहां पर ऐसा कुछ लिखा होगा कि सिविल की जो पीडीएफ है वो ऐसा कुछ लिखा होगा तो उस फोल्डर के अंदर आपको एक तो डेली क्लास पीडीएफ लिखी मिलेगी एक तो होगा डेली क्लास पीडीएफ और एक आपको फोल्डर दिखेगा टेस्ट वाला जो भी हम सैटरडे को टेस्ट करते हैं उनका पीडीएफ जो है वो वो फोल्डर दिखेगा तो इन फोल्डर्स के अंदर मैं जो है डेली पीडीएफ अपलोड करता रहूंगा साथ ही साथ में टेलीग्राम पर भी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर भी आप संदीप जानी से नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा वहां पर जो भी क्लासेस रिलेटेड अपडेट होंगी कोई स्पेशल क्लास की हो गई कोई इशू अगर आ रहा है क्लासेस के अंदर वो हो गया तो वो आपको सारा इंस्टेंटली वहां अपडेट मिल जाएगा आपको और वहां पे आप पूछ भी सकते हैं कि हाँ कोई क्लास अगर मान लीजिए जैसे कल रात को इशू हो गया था कि क्लास लाइव नहीं हो पा रही थी तो वहां पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि क्लास लाइव नहीं हो पा रही तो आपको इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में ठीक है हाँ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा दोस्त चिंता की विषय नहीं है दोनों जगह मिल जाएगा तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको इस चैट चैट में भी दिख रहा है है अभी जो लाइव इसके अंदर और राजन सर क्लास सेशन खत्म होने के बाद जो है वो पिन भी कर देंगे कमेंट के अंदर ठीक है तो वहां से आप ले सकते हैं या पिछले सेशन के अंदर ले सकते हैं अगर आपको बहुत ही जल्दी चाहिए और अब सेशन खत्म होने के आधे घंटे के अंदर जो है वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो आप उससे पढ़ सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए अगर आपको लगता है कि आपको समय ज्यादा लग रहा है या नोट्स बनाने में तो नोट्स अभी मत बनाइए चाहे आप जब आपको कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी जैसे ही हमारे बिल्डिंग मटेरियल के सारे सेशन खत्म हो जाएंगे आपको एक कंबाइंड पी डी भी मिल जाएगी उससे आप रिवाइज कर सकते हैं चाहें तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं आपके ऊपर है आपको कैसे बेहतर लगता है हैंड रिटर्न नोट्स बनाएंगे टाइम है तो बना लीजिए समय नहीं है रिवाइज ज़्यादा करना है तो पहले सारे नोट्स पढ़ें उसके बाद आप उनसे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उतना भी चल सकता है काम अगर आप एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं अलोंग विद डिजिटल पीडीएफ्स ठीक है दोस्तों मेरा नाम है संदीप जानी और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू सो मच बाय